भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर एक नए विवाद में फंस गई हैं। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उन्हें आतंकी कहने वाले अपने गिरेबा में झांक कर देखें। इस पूरे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रज्ञा ने देशद्रोह किया है, मोदी शाह देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसे भाजपा नेता महिमा मंडित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष और भाजपा नेताओं को देश से माफी मांगना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से अपने आप को पीछे कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह राव ने कहा कि भाजपा प्रज्ञा के इस बयान से सहमत नहीं है, पार्टी उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी, उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। रात करीब 9:30 बजे प्रज्ञा का बयान आया, बोली, जिस तरह से भगवा आतंकवाद से जोड़कर प्रश्न पूछा गया तत्काल में मुझसे मुंह से निकल गया, कोई आहत हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इधर चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और पूरी रिपोर्ट बुलवाई है। दीदी, नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान दिया आपने, उस पर पार्टी कह रही है कि वो आपका निजी बयान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरा निजी बयान क्या है, मैं रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूं। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। लेकिन इस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मैंने अभी टीवी नहीं देखा है, कुछ नहीं, लेकिन मैं पार्टी की एक अनुशासन मानने वाली कार्यकर्ता हूं और इसलिए जो पार्टी की लाइन है वही मेरी लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई जिन लोगों के मन को आहत हुआ है मैं क्षमा मांगती हूं उस बयान के लिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।